नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का शेयर चैनल में। और आज का जो मेरा वीडियो है वो कट ऑफ को लेकर के है, यूपी SSSC लोअर टू एग्ज़ाम 28 जुलाई 2019 को। जी हाँ, ये पेपर अब संपन्न हो चुका है और आज हम इसके कट ऑफ की चर्चा करेंगे। कट ऑफ के एनालिसिस की का जो बेस होता है वो आपको सबसे पहले जानना होगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ क्या जा सकता है। बहरहाल मैंने और भी कट ऑफ बताए हैं और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि कट ऑफ लगभग लगभग एक दो नंबर का फ़र्क रहता है, आसपास ही कट ऑफ रहती है। मेरे हमारे चैनल के जो भी एनालिसिस होते हैं वो सही रहते हैं, हम लोग जो भी सर्वे करते हैं वो भी कई हद तक सही रहते हैं, इसलिए आपको हम पे विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास करिए, ज़रूर जो है कट ऑफ इसके इर्द गिर्द ही रहने वाली है। क्योंकि देखिए, कभी कोई चीज़ जब बनाई जाती है तो कुछ उसको सोच के ही बनाया जाता है, ऐसे कोई चीज़ ऐसे नहीं बना ली जाती है। मैं और चैनलों की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपने चैनल की बात करूँगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लोअर टू एग्ज़ाम 28 जुलाई 2019। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका जो आंसर की है वो जारी किया जा चुका है, इसका आंसर की जारी किया जा चुका है। आप लोग जो है इसे चेक करके हमको ये बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी के विषय में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ये वैकेंसी जो है 2016 की वैकेंसी थी, ये भी 2016 की, जिस तरह से 2016 की वैकेंसी वो 31 मई वाली जो इससे पहले मैंने कट ऑफ बताई थी जूनियर असिस्टेंट की वो थी, ठीक उसी तरह से 2016 की ये भी वैकेंसी थी। और चूँकि 2016 की वैकेंसी थी और 19 इस समय चल रहा है, 19 को इन्होंने एग्ज़ाम कराया। दोस्तों, इससे पहले एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि 15 जुलाई 2018 को इसका एक बार और एग्ज़ाम कराया गया था, 15 जुलाई 2018 को इसका एक बार और एग्ज़ाम कराया गया था, बट इत्तेफाक से पेपर जो है लीक हो गया था और पेपर जो है रद्द कर दिया गया था। पेपर बहुत ही इजी आया था, पेपर का जो लेवल था उस वक्त बहुत ही जो है इजी था और कट ऑफ का जो एनालिसिस उस वक्त चल रहा था वो लगभग चल रहा था 150 के आसपास चल रहा था, 150 क्वेश्चन के आसपास चल रहा था। बट उसके बाद वो एग्ज़ाम जब कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद अब वो कराया गया है 28 जुलाई 2019 को। लखनऊ और कानपुर दो जगह ही इसके सेंटर बनाए गए हैं, बट जो इसमें उपस्थिति देखी गई, 50% बच्चे, जो आंकड़ा पेपर का बता रहा है, 50% बच्चे ने पेपर छोड़ दिया। जैसे कि 31 मई वाले मैंने आपको बताया था, 60% बच्चे अनुपस्थित हो गए थे उस दिन, दो एग्ज़ाम पढ़ गए थे। प्लस उसके पीछे रीज़न क्या था, दो एग्ज़ाम पढ़ना, और प्लस पहला एक और रीज़न था कि 2016 की वैकेंसी थी, जो है बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं जो है वो मर्ज हो गए, इसलिए उन्होंने नहीं दिया पेपर। ठीक है, वही हाल कुछ यहाँ भी था। लोअर टू एग्ज़ाम जो 28 जुलाई 2019 को संडे को कराया गया, इसमें भी यही था हाल था, और इसमें भी काफ़ी बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं हो गए, किसी का BTC में होगा, किसी कहाँ हो गया, किसी का कहाँ हो गया, किसी का मतलब रेलवे वगैरह में हो गया, तो बच्चे कहीं ना कहीं जो है डिस्प्यूट हो गया, तो कहीं जॉब कर रहे तो वहाँ से नहीं आ सकते थे, या फिर जो भी कारण रहा हो मैं नहीं बता सकता। बहरहाल जो भी बच्चों ने दिया, जो पेपर का आंकड़ा कहा गया, पेपर के आंकड़े में यही कहा गया कि 50% बच्चे अनुपस्थित रहे, तो जाहिर सी बात है अब जो कंपटीशन बचा वो 50% बच्चों के बीच बना। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और भी इसमें बताना चाहूँगा कि इसका सबसे पहले मैं सिलेबस की चर्चा हल्का सा मैं बताना चाहूँगा, हल्का सा। इसमें जो क्वेश्चन आया था वो टोटल 175 क्वेश्चन आए थे, टोटल 175 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, टोटल, जिसमें 25 क्वेश्चन जो थी वो हिंदी थी, 25 क्वेश्चन जो थी वो हिंदी थी। इसके बाद आपका 70 क्वेश्चन जो था वो आपका जनरल साइंस प्लस मैथ था, ये हो गया। 25 क्वेश्चन दोस्तों वो रीजनिंग थी, 25 क्वेश्चन रीजनिंग थी, और 50 क्वेश्चन आपका जनरल स्टडी था, ये था आपका सिलेबस, जो कि
ये 2016 का ये जो सिलेबस था जब अखिलेश सरकार थी उस वक्त ये फॉर्म आया हुआ था, और 2017 में जो है चुनाव हुआ था उसके बाद इनको कराना था, बट बीजेपी सरकार आई और फिर उसने इसको कराया, एक बार लीक हुआ और इसके बाद अब जो है संपन्न हो गया 28 जुलाई 2019 को। कट ऑफ बताने के पहले एक चीज़ और मैं और बताऊंगा आपको कि लोअर टू एग्ज़ाम जो हुआ है, और आपने कैलेंडर देखा होगा, कैलेंडर जो कि जारी कर दिया जा चुका है, आप साइट से जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। जो इसका जो सिलेबस है, जहाँ तक मेरा आइडिया है दोस्तों, ये मेरा अनुमान है, ये मेरा अनुमान मात्र है, प्लीज़ इस पर कोई आप कमेंट नहीं करेंगे, 90% जो चांसेस है सिलेबस कुछ यही रहने वाला है, सिलेबस जो आपका है वो कुछ यही रहने वाला है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ रहे न रहे, आपका हिंदी, जीएस और मैथ और रीजनिंग में कोई एक तो रहना ही रहना है, तो आप क्यों पीछे हटे, आप इन सब चीज़ों को पढ़ते रहिए, सिलेबस का इंतज़ार करेंगे तो समय काफ़ी चला जाएगा, और समय आपके पास है कहाँ। 14 और 15 सितंबर को आपको आपका जो एग्ज़ाम है लोअर पीसेस का, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है दोस्तों ये, तो इसको लेकर के आप इतना वो क्यों हो रहे हैं कि सिलेबस आएगा मैं पढ़ूंगा, आपको उससे क्या मतलब, आप पढ़ते रहिए। हिंदी की श्रृंखला चल रही है, मैथमेटिक्स की श्रृंखला चल रही है, रीजनिंग की मैंने बता दिया, दो चार टॉपिक्स में बताने बता दूंगा, साथ ही साथ आप जो है जो जनरल स्टडी की सारी श्रृंखला हमारे चैनल पर चल रही है, ज्योग्राफी का पूरा हो चुका है, बाकी जनरल साइंस का पूरा हो चुका है, और भी है, करंट अफेयर कंटिन्यूसली चल रहा है, आप उसको जा करके देखिए, उसको अच्छे से वॉच कीजिए, पूरा वीडियो कम से कम आप लोग देखा कीजिए तो समझ आएगा, भगा के देखने से कोई मतलब नहीं निकलता, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है ना, जब आप माइंड स्थिर करके करेंगे तो ही तो काम अच्छा बनेगा ना। तो आइए अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके हम आपको बताते हैं इसका कट ऑफ क्या जाने वाला है, आइए देखते हैं इसका कट ऑफ क्या जाएगा। देखिए ये जो दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ, जो भी कट ऑफ है ये एक संभावित कट ऑफ है, ये कट ऑफ जा सकती है, ये मेरा अनुमान है, प्लीज़ इस पर किसी तरह कोई कमेंट मत कीजिएगा, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है। हाँ यह है कि इसके इर्द गिर्द रहने की चांसेस हैं, इसके इर्द गिर्द रहने के चांसेस हैं। एक सामान्य कट ऑफ मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये आपका इस एग्ज़ाम का जाने की उम्मीद है, ठीक है। और इससे पहले अभी देखिए परसों जो है एक उसका रिजल्ट जारी किया गया है क्लर्क का, उसमें देखिए कट ऑफ जो है काफ़ी कम गई है, उसमें भी यही हाल था, लगभग 31.5, क्योंकि 211 पद थे इसलिए 31.5 कुछ जनरल की जो है कट ऑफ गई है। अब उसके बाद भी मैंने आपको देखिए 31 मई वाला बताया, तो सीट के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से कट ऑफ तय होती है, तो लगभग लगभग वही आंकड़ा रहता है, एक नंबर की बढ़ने और घटने की बात मैं नहीं कर सकता है ना। तो आइए देखते हैं लोअर टू का जो कट ऑफ जाएगा, टोटल 175 क्वेश्चन थे दोस्तों, 175 क्वेश्चन था टोटल, 175 क्वेश्चन में अगर कोई जनरल कैंडिडेट है, एक सामान्य मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, अगर कोई जनरल कैंडिडेट है और उसने अगर उसने अपना आंसर की जो कि जारी किया जा चुका है, आंसर की उसने चेक किया है और उसका अगर कट ऑफ अगर उसका सही हो रहा है 130 से 135 क्वेश्चन, अगर उसका सही हो रहा है 130 से 135 क्वेश्चन उसने चेक किया और उसका सही हो रहा है। देखिए इसके पीछे रीज़न क्या है कि एक तो बच्चे कम है, 50% अनुपस्थित है, पेपर 15 जुलाई 2018 की तरह एकदम इजी नहीं था, पेपर जो था वो एकदम इजी आप नहीं कह सकते, पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था, मतलब आप कह सकते हैं मॉडरेट था, टफ भी नहीं था पर मॉडरेट था पेपर। अब चूंकि पेपर जब मॉडरेट था और बच्चे भी कम है, भाई हम किस हिसाब से कट ऑफ देखते हैं, बच्चे कम हो या तो बच्चे कम हो, पेपर का लेवल मॉडरेट हो, या तो ऐसा कभी होता है कि बच्चे कम होते हैं, सीटें भी कम होती, पेपर इजी होता है तो वहाँ भी कट ऑफ ज़्यादा जाता है। कभी कभी क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ, उसको बात को गौर कीजिएगा, अब कभी कभी क्या होता है कि सीटें क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, बच्चे कम होते हैं, पेपर मॉडरेट होता है, वहाँ कट ऑफ लो जाता है। ये दो तीन चीज़ें आंकड़े हैं, इसको बैठा के दिमाग में रखिए तो लगभग लगभग जो है आपका एनालिसिस भी सही बैठेगा, है ना। तो मेरा अनुमान ये है, ये एक मेरा अनुमान है दोस्तों, और मैं इस चीज़ की जो है गारंटी देता हूँ कि लगभग लगभग 80% इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि यही कट ऑफ जाने की उम्मीद रहेगी। 130 से 135, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, हो सकता है 136 137 हो जाए, बहरहाल 130 अगर किसी का है
तो वो अपना इंटरव्यू की तैयारी करे। अगर किसी का 130 क्वेश्चन मिलाने पे आ रहा है तो उसकी तैयारी करें। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं फिर से आपको आगाह कर रहा हूँ, जो लोग 31 मई 2019 वाले में मैंने बताया है 26-27 नंबर, मैंने उसका कट ऑफ बताया है 54-55 क्वेश्चन जिसका सही हो रहा था जो है, वो अपना जो है टाइपिंग करते रहिए। क्योंकि और किसी के जैसे बैकलॉग रिजल्ट आया था तो बहुत सारे चैनल ने बना दिया था कि अब चूंकि इसका बैकलॉग का जा रहा है, मेरी बात सुनिएगा, बहुत सारे चैनल ने बताया कि 100 मतलब बैकलॉग का 31.5 चला गया, बैकलॉग का 31.5, उस आधार पे उन्होंने जो है नया कट ऑफ जो है 31 मई वाला बना दिया। तो ये आंकड़ा, ये सोचना गलत बात है, ये चीज़ें गलत है, मैं सब चीज़ों का विरोध करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इतना आप जानिए कि उससे नहीं मतलब है, आप उससे आप एकदम घबराने की जरूरत नहीं है कि जो बैकलॉग का रिजल्ट 115 सीट पे आया था उससे रिलेटेड या हो सकता है उससे ज़्यादा आपका 31 मई कट ऑफर है। मैं बार बता रहा हूँ, टाइपिंग प्लीज़ करते रहेंगे आप, ठीक है, अभी बता रहा हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है, तो इस चीज़ को आप मत सोचिए, क्योंकि देखिए 115 सीट पर 31.5 गया था क्या कट ऑफ। और मैंने बताया था बैकलॉग की जो ये वैकेंसी थी इसका पेपर बहुत ही इजी था, जिस तरह से 15 जुलाई 2018 का लोअर टू का एग्ज़ाम हुआ था जो कि कैंसिल हो गया, इसलिए इसकी जो कट ऑफ गई थी वो 31.5 गई थी। और आपका जो 31 मई वाला एग्ज़ाम है, उसमें क्या था, सीटें ज़्यादा है, लगभग 548 लगभग 600 सीट है, और ये 115 का लगभग 4.5 गुना है। एक तो 4.5 गुना है ना, एक तो 5.5 गुना सीट है, पहली बात सीधे सीधे देख लीजिए, 5 गुना सीट ये तो हो ही गई। और प्लस 31 मई का पेपर इनकी तरह इजी नहीं था, 115 की तरह बैकलॉग की तरह पेपर क्या था, मॉडरेट था, इसलिए मेरा जो आंकड़ा था वो 26-27 का, मैं फिर बता दे रहा हूँ, वो एकदम एक्यूरेट होगा, 54-55 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट होगा। बहुत हद हो जाएगी दोस्तों, बहुत हद हो जाएगी, तो आपका 56 जा सकती, पर ये मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, पर ऐसा होगा नहीं, 55 पे कन्फर्म हो जाना है, यानी 27.5 नंबर पे हो जाना है। इसलिए मैं आपको फिर ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप कन्फ्यूज मत होइए, मत भ्रमित मत होइए, मैं जो बता रहा हूँ जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा, सर बताइए आपने ऐसा बताया था और ऐसा हुआ है। सो प्लीज़ मैं फिर आपको बता रहा हूँ, लोअर टू का जो अगर किसी का 130 से 135 है तो वो अपना इंटरव्यू की तैयारी करें। दोस्तों अगर मेरा ये कट ऑफ आपको समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनका जो वो है भ्रम है उसको दूर कीजिए, और उनको आप प्रोत्साहित कीजिए कि वो जा करके और आगे की तैयारी करें, इंटरव्यू की तैयारी करें। जिसका अगर 130 से 135 बन रहा है तो उनको कहिए कि वो अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। दोस्तों ये कट ऑफ जो है आपका बहुत ही एक्यूरेट कट ऑफ है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे यही निवेदन कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, हमारे चैनल के सारे वीडियो को आप पूरा वॉच किया कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।